Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah Almighty, the Most Gracious, the Most Merciful. Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all are fine and doing very well at your homes. So class 6, today our topic is unit number 5, sights and sounds. हमने पढ़ना है unit number 5 में sub topic a blind man, और unit है हमारा sights and sounds. Sights होते हैं मनाज़िर और sound होती हैं आवाज़ें, ठीक है. Today the date is 11th of January 2021 and the day is Monday and our topic is a blind man. इसकी हम आज रीडिंग करेंगे और वर्ड्स मीनिंग करेंगे. पेज नंबर है आपकी बुक का 108. सो क्लास 6, ओपन योर इंग्लिश बुक्स पेज नंबर 108 एंड लेट्स स्टार्ट इट्स रीडिंग. टॉपिक है हमारा अ ब्लाइंड मैन, ठीक है. ब्लाइंड हम बोलते हैं नाबीना को और मैन बोलते हैं आदमी को, तो अ ब्लाइंड मैन मीन एक नाबीना आदमी. इन द फॉलोइंग पोइम, ठीक है, अब एक ये जो मंदरजा ज़ैल नज़्म है, द पोइट डिस्क्राइब्स, जो शायर है, पोइट बोलते हैं हम शायर को, डिस्क्राइब्स बयान कर रहा है द सेंसेशंस ऑफ अ ब्लाइंड मैन, एक नाबीना आदमी के एहसासात, ठीक है. वॉकिंग थ्रू अ वुड इन एन ऑटम अक्टूबर, जो कि मौसम ख़जा में अक्टूबर के महीने में जंगल में चला जा रहा है. तो ये पोएम से पहले जो है वो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि इस पोएम के अंदर जो है वो जो शायर है वो एक ऐसे नाबीना इंसान के एहसासात को बयान कर रहा है जो कि मौसम ख़जा में अक्टूबर के महीने में जंगल में चला जा रहा है. इन द यूके बरतानिया में ऑटम इज़ द सीज़न, ख़जा वो जो है मौसम है, व्हेन द लीव्स टर्न फ्रॉम ग्रीन टू ब्राइट रेड एंड येलोस. बरतानिया में जो ख़जा है वो ऐसा मौसम है जब सब्ज रंग के जो पत्ते हैं वो सब्ज रंग से चमकदार सुर्ख और जर्द रंग में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है, एंड फॉल फ्रॉम द ट्रीज़, और दरख्तों से गिर जाते हैं. यानी जो सब्ज पत्ते हैं वो सब्ज रंग से चमकदार सुर्ख और जर्द रंग में तब्दील हो जाते हैं और दरख्तों से गिर जाते हैं. द डेज बिकम शॉर्टर एंड आर ऑफन डैम्प एंड कोल्ड. द डेज बिकम शॉर्टर, दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं, एंड आर ऑफन डैम्प और कोल्ड, और अक्सर जो है वो अमूमन ठंडे सर्द और नम आलूद हो जाते हैं. एंड द पाथ इन द वुड आर कवर्ड विथ फॉलन लीव्स, और जंगलों के रास्ते जो हैं वो गिरे हुए पत्तों से भरे हुए होते हैं. फॉलन लीव्स होते हैं गिरे हुए पत्ते, और पाथ्स होते हैं रास्ते, तो जो जंगलों के रास्ते हैं वो गिरे हुए पत्तों से भरे हुए होते हैं. अब पोइम स्टार्ट होती है अ ब्लाइंड मैन इन द फॉरेस्ट लेन, जंगल की पगडंडियों पर एक नाबीना आदमी, ठीक है. लेन्स होती हैं पगडंडियाँ और गलियाँ, तो एक जो नाबीना आदमी है वो जंगल की पगडंडियों पर एक नाबीना आदमी, फील्स विद हिज स्टिक द वे टू गो, वो जो है अपनी छड़ी से रास्ता ढूंढता है, ठीक है. फील्स विद हिज स्टिक यानी कि अपनी छड़ी की मदद से वो महसूस कर रहा है रास्ते को, क्योंकि जो नाबीना होता है वो देख नहीं सकता है, तो वो जो है वो अपनी स्टिक की मदद से, छड़ी की मदद से रास्ता ढूंढता है. अक्टूबर इज़ फॉलिंग सनलाइट स्टेन्स, अक्टूबर के सूरज की रोशनी जो है वो दागदार कर देती है, ठीक है. अक्टूबर इज़ फॉलिंग सनलाइट यानी कि जो अक्टूबर की सूरज की रोशनी है स्टेन्स वो दागदार कर देती है. इन डीपर रेड द लीव्स बिलो, जो नीचे पड़े हुए पत्ते हैं उनको ज़्यादा गहरे सुर्ख रंग से जो है वो दागदार कर देती है. अब हम करेंगे स्टूडेंट्स क्लास वर्क. टॉपिक है हमारा अ ब्लाइंड मैन, पेज नंबर है 108. हमने करने हैं इसके वर्ड्स मीनिंग. पहला वर्ड है हमारे पास फिक्शन. फिक्शन हम बोलते हैं किस्सा या कहानी को, ठीक है. लेन्स, उसके बाद लेन्स जो है उसको बोलते हैं गलियों को, ठीक है. लेन्स का मतलब होता है गलियाँ. फिर है स्टेन, स्टेन का मतलब होता है दाग धब्बे. सेंट, सेंट का मतलब होता है खुशबू. और फिर है मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब होता है नमी, ठीक है. तो ये थे हमारे वर्ड्स मीनिंग स्टूडेंट्स. उसके बाद है हमारी आज की डायरी, लर्न वर्ड्स मीनिंग प्लस डू रीड बुक पेज नंबर 108. आपने जो है वो बुक का पेज नंबर 108 रीड आउट करना है, और इसके साथ जो है आपने जो क्लास वर्क में वर्ड्स मीनिंग किए हैं उनको लर्न करना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.